हमीरपुर जिला में ग्राम पंचायत उल के विभाजन करके नई पंचायत लगदेवी में गांव को शामिल करने पर असहमति जताते हुए ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से मांग की है कि पुरानी पंचायत में ही रहने दिया जाए। सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नई पंचायत में ग्रामीण नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि नई पंचायत के गठन से ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ जाएंगी। ग्रामीण कुलदीप सिंह ने बताया कि नई पंचायत बनने से ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उहल पंचायत 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अब नई पंचायत 3 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि पुरानी पंचायत में ही रहने दिया जाए। उन्होंने बताया कि नई पंचायत के लिए 2 से 3 रुपये खर्च करके जाना पड़ेगा। हमारी डिमांड यह है कि हम बमसन के गांव लडियार से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव एक नई पंचायत बन रही है लगदेवी कड़िहार में और उसमें हमारे गांव को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे गांव से बहुत दूर पड़ता है। हमारा जो पहली पंचायत थी ओल, वो हमारे गांव से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, जबकि ये पंचायत जो है 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश करने आए थे कि हमें पुरानी पंचायत में ही रखा जाए, ताकि जो बुजुर्ग लोग यहाँ से जाते हैं राशन लेने को उनको आसानी हो। अगर हम नई पंचायत में जाते हैं तो हमें 200 पर हेड 200 रुपया खर्चा करके हमें जाना पड़ेगा, तो गांव वालों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इस गांव को, लडियार गांव को, उल पंचायत में ही रखा जाए। वहीं ग्रामीण जगदीश ने बताया कि नई पंचायत की घोषणा से कोई भी ग्रामीण खुश नहीं है, क्योंकि कई गांवों को नई पंचायत बहुत दूर पड़ेगी। उन्होंने बताया कि नई पंचायत में आने जाने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी लगती है और बुजुर्ग महिलाओं को नई पंचायत में आवाजाही में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए डीसी हमीरपुर से मांग की है कि ग्रामीणों की समस्या को हल किया जाए। सबसे पहले जो हमारी नई पंचायत की घोषणा की गई, इसी हमारे से कोई भी सहमति नहीं ली गई, और जब हमें अभी पता लगा कि हमारी पंचायत जो है वो दूसरी पंचायत में हमारा गांव चला गया है, तो जो दूसरा गांव है वो हमें जंगल के रास्ते बरसात में या कैसे भी जाए नहीं खड पार करना पड़ेगी। नंबर दो, अगर बाय रोड जाएंगे तो 200 रुपया आने का और 200 रुपया जाने का, यानी 400 रुपया पेमेंट होगी तो हम पंचायत घर में जा सकते हैं। तो हमारी डीसी साहब से हमें यही रिक्वेस्ट किया कि हमारी पंचायत को उल पंचायत में ही रहने दिया जाए, ताकि हम गांववासी उल पंचायत में सारी सुविधा ले सकते हैं। हॉस्पिटल वहाँ है, पोस्ट ऑफिस वहाँ है, राशन का डिपो वहाँ है और सारी सुविधाएं वहाँ पर, तो हम वहीं पर खुश हैं कि हमें उल पंचायत में ही हमारे गांव लडियार को रहने दें। हम सभी गांववासियों की ये रिक्वेस्ट है कि हमें उल पंचायत में ही रहने दिया जाए, धन्यवाद। वहीं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में उहल में नई ग्राम पंचायत लगदेवी बनाई है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को नई पंचायत बहुत दूर पड़ेगी। उन्होंने बताया कि नई पंचायत के गठन के बाद 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, जिससे लोगों को आना जाना मुश्किल भरा होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से मांग की है उन्हें पुरानी पंचायत में ही रहने दिया जाए। मेरे चुनाव क्षेत्र में ग्राम पंचायत ऊल की नई ग्राम पंचायत लग देवी जो है वो बनाई गई है। ये जो अभी डेलीगेशन मिला है, इन्होंने पिछले महीने भी सरकार को डिप्टी कमीशन के माध्यम से एक जो है वो चिट्ठी लिख के सभी गांव के लोगों ने दस्तखत करके आपत्ति जताई थी कि हमें पुरानी पंचायत में ही रहने दिया जाए। उसका कारण ये है कि जो नई पंचायत का गठन हुआ है, उस पंचायत में जो है वो इनको नई पंचायत में जाने के लिए 3.5 किलोमीटर का सफ़र जो है बाई रोड तय करना पड़ता है। बुज़ुर्ग लोग हैं और बुज़ुर्गों को इतनी दूर जाना मुश्किल है। इनका निवेदन यही है सरकार से कि जो पुरानी पंचायत में उसमें ही हमें रहने दिया जाए। कारण ये है कि जो पुरानी पंचायत ऊल है वो इनको अपने लडियार गांव से लगभग 0.5 किलोमीटर पड़ती है, तो इनका कहना ये है कि
कि हमें ये सजा दी जा रही है। लग ग्राम पंचायत बने उसका सभी ये लोग भी स्वागत कर रहे हैं, हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। नई पंचायत बननी चाहिए, लोगों को उनको जो करीब लोग रहते हैं उनको सुविधा मिले, परंतु इन लोगों को तो ये एक सजा हो गई, क्योंकि 3.5 किलोमीटर जाना मतलब ये है कि अगर किसी ने पंचायत घर में भी जाना तो उसको भी 200 रुपया टैक्सी का देना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि स्पेशल बस लड़ियार से कोई लग के लिए तो स्पेशल बस जाती नहीं है। तो इसलिए इन लोगों की आपत्ति है। आज फिर ये डिप्टी कमिश्नर महोदय को मिले हैं और मैंने भी कहा है कि लोकल विधायक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि लोगों की ये अगर समस्या है तो उसको सरकार हल करे और इनको जो नई पंचायत बनी है लग देवी, इसका हम स्वागत कर रहे हैं, सभी स्वागत कर रहे हैं, परंतु इनको उसी पंचायत में रहने दिया जाए ताकि ये लोग प्रताड़ित ना हो, इनका काम नज़दीक हो सके। इसलिए डिलिमिटेशन जो है वो पंचायतों की हुई है और लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने नई पंचायतें बनाई हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को सुविधा मिले, इसलिए नहीं कि लोगों को उससे जो है नुकसान हो, लोगों को प्रताड़ना हो। तो इन लोगों का यही है, वे फिर से डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम से मिले हैं कि उनको मिले हैं कि हमें जो है पुरानी पंचायत में रहने दिया जाए। वहीं कृषि बिल के विरोध में विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि किसान बिल के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के लिए किसान बिल बनाया गया है वही इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस बिल में संशोधन के लिए सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल 3 बड़े घरानों के लाभ के लिए बिल को बनाया गया है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह धरने हुए हैं, लोग किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, और पंजाब में भी जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब में आपने देखा होगा, दूसरे प्रदेशों में देखा होगा कि लोग जो हैं रेल पटरियों पर जो है बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों की सुविधा के लिए नए विधेयक लेके आए, नए कानून लेके आए, कानून में सुधार करे, इसलिए नहीं कि लोगों को उससे नुकसान हो। मुझे लगता है कि ये जो नया कृषि विधेयक लेके आए हैं ये कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के 2-3 औद्योगिक घराने हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अगर ये विधेयक किसानों के पक्ष में होता तो किसान इसका स्वागत करते। अगर वही किसान जिनके लिए कानून तैयार किया गया है वही लोग जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सड़कों पर उतर कर सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में जागना चाहिए और कहीं सरकार के स्तर पर कोई चूक हो गई है तो उसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। देखिए, अगर मैनिफेस्टो में था तो उस पर पीछे सरकार की उस समय कांग्रेस सरकार की मनसा क्या थी। अब उनको ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें कांग्रेस की मनसा क्या थी। कांग्रेस की मनसा किसान को मजबूत करने की थी और अब जो वर्तमान सरकार है एक किसान को कमजोर करने की मंशा से इस बिल को लेके आई है। यही तो अंतर है, ये उनको समझना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि आप विधायक लेके आए, विधेयक लेके आए, कानून बनाए, उसमें सुधार करें, परंतु वो लोगों के पक्ष में हो, लोगों के खिलाफ ना हो। ये लोगों के खिलाफ है, इसीलिए तो लोग सड़कों पे उतरे हैं।